क्या बी ए बी कॉम और बी एस सी रेगुलर बी एस सी के लिए एंट्रेंस एग्जाम है तो गाइज देर इज नो एंट्रेंस एग्जाम सो यू डोंट हैव टू गिव एनी एंट्रेंस एग्जाम योर एडमिशन विल हैपन प्योरली ऑन योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बोर्ड मार्क्स तो आपका जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्कोर होगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा नाउ टॉकिंग अबाउट कोटा सिस्टम गाइज इफ यू आर सिंधी देन देर इज अ फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन फॉर सिंधी स्टूडेंट सो इट्स अ सिंधी कोटा कॉलेज अगर आप रेगुलर कैटेगरी में आते हो तो जो 50% परसेंट बचती है उन बच्चों को वहां पे एडमिशन मिलता है ऑल्सो गी ए बी कॉम एंड रेगुलर बी एस सी देर इज एन इन हाउस कोटा कि जो ग्यारहवीं बारहवीं के बच्चे हैं जय हिंद की उन्हें भी कोटा मिलता है तो जो आपके रेगुलर कोर्सेज uh, हैं जैसे बी ए बी कॉम और बी एस सी इनमें जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ आउटसाइडर स्टूडेंट्स वो बहुत कम हो जाती है दैट्स वाई यू हैव टू स्कोर रियली हाई मतलब आपका जो परसेंटेज है वो अबव एटी मिनिमल होना चाहिए इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस गायज इट्स अ रेगुलर एडमिशन प्रोसेस पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी पे अपने आप को रजिस्टर करना है फर्स्ट स्टेप सेकेंड आपको जय हिंद कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से प्री एनरोल करना है फिर जैसे ही जय हिंद कॉलेज का फॉर्म खुल जाएगा आपको जय हिंद कॉलेज के वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिलअप करना है सो दिस इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस ये सिंपल प्रोसेस है आपको फॉलो करना है जिसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी मेरे चैनल पे आ जाएगी ऑल्सो गाइज इफ यू नीड फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस आई हैव अ टीम हु डज दैट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मतलब अ सेपरेट टीम जो ये पूरा फॉर्म फिलिंग आपको एडमिशन असिस्टेंस देती है यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर माई टीम विल गेट बैक टू यू विथ ऑल द डिटेल्स कट ऑफ की अगर आप बात करो कि 80 तो आपको मिनिमम लाना ही है बिकॉज अगर आप सिंधी कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो 65, 70 सेवेंटी अबाव भी वर्क कर जाएगा अगर आप ऑलरेडी 11, 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो इन फ्रॉम जय हिंद कॉलेज देन ऑब्वियसली आपको एक रिजर्वेशन मिलता है इन हाउस कोटा आपको मिलता है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक होता है कि इन हाउस के बच्चों के लिए लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए एडमिशन ओपन होते हैं अगर आपने तभी तभी अप्लाई कर दिया तो आप वो अवेल कर सकते हो सो यू गाइज विल हैव है दिस थिंग कि भाई अगर हिंद कॉलेज जो कि टॉप फाइव में आता है मुंबई के वहां पे कंपटीशन हाई होने वाला है तो यू है तो बट क्या अगर आपको सेवेंटी है तो अप्लाई करना चाहिए मेरा सजेशन होगा, अप्लाई करके रख दो कई बार ऐसा होता है कैंसिलेशन हो गया किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी ने कॉलेज चेंज कर लिया तो आपका चांस लग सकता है और एंड में अक्सर मुझे बच्चे पूछते हैं अबाउट मैनेजमेंट कोटा, कोटाइज मैनेजमेंट कोटा के लिए हर साल is, कि वो तो जय अगर आप फिजिकली जाओगे तो आपको पूरा भर के, आप के लिए अप्लाई करना चाहते हो कौन से में, पूरा जो है, वो वॉचमैन को देना है देन आफ्टर दैट यू कैन टेक द अपडेट फ्रॉम कॉलेज वो आपको सामने से बता देंगे कि कितना आपको भरना है फॉर द मैनेजमेंट सीट समाइम पीपल डू इज दूस मिडलमैन फॉर द एडमिशन एंड ऑल विच आई पर्सनली डूनो नॉट सपोर्ट बिकॉज ये डोनेशन का जो बिजनेस है ना कि आपको कोई भी ऐसे मैसेज आए किसी से भी कि भाई मैं आपका यहाँ पे एडमिशन करा दूंगा इतने पैसे दे दो अनलेस अनलटिल यू डोंट नो देम पर्सनली प्लीज़ डो नॉट पे एनी मनी बिकॉज ये एडमिशन टाइम पे स्कैम बहुत ज़्यादा चलता है लोगों ने काफी ज़्यादा पैसे अपने गवाए हैं तो डायरेक्ट कॉलेज से बात करो बिकॉज मैनेजमेंट सीट्स हर कॉलेज में होती है और अगर कॉलेज आपको लीगली देना चाहे तो दैट इज़ वेल एंड गुड एंड योर मनी इज सिक्योर्ड अगर आप चाहते ही हो कि डोनेशन देके आपको सीट लेनी है तो Before I end this video, guys, let me tell you I do one on one counseling session. If you are confused oh, regarding career, college, anything, you can get in touch with me on this WhatsApp number. My team will get back to you with all the details. I hope, guys, the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Matter. Don't forget to like, share, and subscribe.